गाइस एक बार एक बेबी जॉम्बी बॉल से खेल रहा होता है, फिर गाइस फिर उसकी मॉम उसको बुलाती है, फिर वो इस बॉल को दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर गाइस एक फॉक्स आती है और उस बॉल को खा लेती है। बॉल खाने के बाद उसकी फॉक्स की डेथ हो जाती है और जो फॉक्स का बच्चा होता है गाइस वो अपनी मॉम को बहुत याद कर रहा होता है और फिर वो गाइस अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए जॉम्बी के पीछे पड़ जाता है क्योंकि जॉम्बी ने उस बॉल को वहाँ फेंका था और जॉम्बी की वजह से गाइस उसकी मॉम की डेथ हुई है। अब गाइस जो उसकी मॉम है वो ऊपर से गाइस उसको बुला रही है, जॉम्बी नीचे आ जाओ बहुत देर हो चुकी है। फिर जॉम्बी देखता है कि हाँ फूल बहुत अच्छे हैं और फिर गाइस वो उन फूल को भी तोड़ने लगता है। तोड़ने के बाद गाइस वो अब नीचे आ रहा होता है और गाइस उसी टाइम गाइस उसके पीछे फॉक्स की बच्ची पड़ जाती है और गाइस उसको वो जमीन में नीचे गिरा देती है। अरे ये क्या, जॉम्बी तो सपना देख रहा था यार, और ये क्या हो गया, जॉम्बी गाइस सो के उठ चुका है, वो एक सपना देख रहा था। और गाइस उसके जो डैड हैं गाइस वो बहुत बड़े शराबी हैं, मतलब हर समय शराब पीते रहते हैं और मतलब किसी से बोलते नहीं है, मतलब हर समय गाइस मतलब गंदे काम करते रहते हैं, मतलब सबको मारते हैं, उसको मारते हैं, उसकी मैं की मॉम को भी मारते रहते हैं, मतलब काफ़ी मतलब वो अच्छे से बिहेव किसी से बिहेव नहीं करते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ गाइस बाहर ही घूमते रहते हैं, घर पे आते भी नहीं हैं। और वो गाइस एक बार चिकन मांग रहे होते हैं और उनकी वाइफ जो होती है वो कहती है कि चिकन ख़त्म हो गया, फिर वो गाइस कहते हैं कि जो घर में हमने मुर्गी पाल रखी उसको भी पका लाओ। अब गाइस वो पकाने के लिए जाते हैं, फिर गाइस जो जॉम्बी की डेड उसके पास आते हैं, कहते हैं मेरे लिए एक शराब की बोतल ले आओ, फिर वो कहता है पैसे नहीं है मेरे पास, फिर गाइस वो घर में पैसे ढूंढता है बट उसको पैसे नहीं मिलते हैं। और फिर गाइस उसको फाइनली गाइस थोड़ी देर के बाद गाइस पैसे मिल जाते हैं, पैसे मिलने के बाद गाइस वो जॉम्बी को दे देता है और वो नहीं जॉम्बी को इस बार नहीं देता है, वो खुद ही लेने जाता है शराब की बोतल ताकि वो उन शराब को पी सके अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो गाइस वो शराब लेने गया हुआ है और फिर जो जॉम्बी जो छोटा वाला जॉम्बी है वो इस सारे के सारे काम करके कर रहा है और दूसरी तरफ गाइस जो बड़ा जॉम्बी है वो गाइस बाहर पैसे लेकर आया है और बाहर अपनी बहुत बढ़िया वाली पार्टी कर रहा है, मतलब जो मतलब उस पार्टी से उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, वही वाली पार्टी व्यवहार कर रहा है। और पार्टी करने के बाद गाइस मतलब उनके जो घर है उनके घर में एक पैसा नहीं है, जो गाइस उनकी मॉम है जॉम्बी की वो हर जगह भीख मांग रही है, मतलब एक खाने की भीख मांग रही है लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जब गाइस वो अपने हस्बैंड के पास आती हैं तब गाइस वो तो उनकी बात सुनता नहीं है, वो तो बाहर पड़ा रहता है। अब गाइस छोटा जॉम्बी उसे बहुत भूख लगी है और गाइस वो भूख की वजह से एकदम पागल सा हो रहा है और उसकी मॉम गाइस उसे बहुत भूख लगी है, उन दोनों को गाइस बहुत तेज भूख लगी है। जो उसकी मॉम गाइस वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है लेकिन वो खुद उसी टाइम बेहोश हो जाती हैं और बेहोश होने के बाद गाइस जब जॉम्बी बाहर देखता है कि बाहर एक अंकल है वो पानी के पास खेल रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, मछली उछली पकड़ रहे होते हैं और फिर वो उन अंकल को बुलाता है और गाइस उनसे कहता है अंकल मेरी मॉम को डॉक्टर के पास लेके जाओ। फिर जॉम्बी जो होता है वो डॉक्टर के पास ले आता है और फिर गाइस जो डॉक्टर है वो उससे पैसे मांगता है उसको सही करने के लिए लेकिन उसके पास तो पैसे होते ही नहीं है और अब गाइस उसे पैसे मतलब लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो पता नहीं गाइस बेचारा क्या करने वाला है। और एक बार गाइस जब एक जो स्केलेटन होता है वो कुछ सामान चुरा के भाग रहा होता है, फिर गाइस उसी टाइम वो सामान को वो वहाँ छोड़ के भाग जाता है, फिर उस सामान को गाइस जॉम्बी पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद गाइस जॉम्बी पे चोरी का इल्ज़ाम आ जाता है लेकिन वो उस खाने को ले आता है अपने घर पे, घर पे जाने के बाद गाइस वो उस खाने को अपनी मॉम को दे देता है और देने के बाद जो डॉक्टर जो होता है गाइस लेकिन उसकी मॉम जो होती है उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी गाइस बहुत ज़्यादा परेशान है और जो जॉम्बी है गाइस वो बैठ के मतलब सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा होता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की जान बचानी होती है इस चक्कर में, लेकिन गाइस सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसी टाइम उनके पास गाइस हीरो बैन आता है, वो गाइस उस स्केलेटन को बहुत मारता है जो कि जॉम्बी का मजाक उड़ा रहा था और फिर गाइस वो अगली बार जॉम्बी से माफ़ी मांगने लगता है और अब गाइस हीरो बैन ने जॉम्बी की बहुत बड़ी मदद कर दी है, मतलब उसको काफ़ी सारे गोल्ड दे दिए हैं और गाइस उसी टाइम गाइस दो पिगलिन आते हैं और गाइस वो जॉम्बी को बहुत मारते हैं और उसका सारा सामान चुरा के ले जाते हैं और फिर अगले दिन गाइस थोड़ा सामान वो बचा लेता है, वो कहता है मैं अपनी मॉम को बचाऊंगा इससे। और फिर रात में गाइस जॉम्बी के डेड आते हैं, वो गाइस कुछ खाने मतलब शराब पीने के लिए पैसे मांगते हैं जॉम्बी से और फिर गाइस जो जॉम्बी मेहनत करके मतलब जो जॉम्बी भीख मांग के पैसे लाया होता है गाइस वो उसके डैड गाइस चुपके से चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो अपनी ऐश कर सकें और जो उसकी मॉम है गाइस शायद उनकी जान नहीं बच पाएगी अगर उन्हें सही टाइम पे पैसे नहीं मिले। और फिर गाइस वो अगले दिन दोबारा से गाइस भीख मांगने लगता है और फिर जो अंकल होते हैं गाइस वो उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो खुश रहे। और फिर गाइस अगले ही दिन जो वेदर स्केलेटन और जो पिगलिंग वगैरह होते हैं वो गाइस अपने गार्डन में मतलब गार्डनिंग कर रहे होते हैं, मतलब फल वगैरह तोड़ रहे होते हैं, उसी टाइम गाइस कुछ जॉम्बी को तंग करने के लिए उसके पास आते हैं पैसे मांगने के लिए लेकिन जॉम्बी के पास तो अभी सिर्फ एक ही पैसा है, अगर वो उसको दे देगा तो गाइस उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो उन्होंने उससे वो भी छीन लिया है। उसके बाद जॉम्बी जो आता है एक लाइब्रेरी में आता है गाइस वो कुछ वहाँ पे कुछ काम करता है और शायद गाइस उसके बदले उसको पैसे मिलने वाले हैं, पता नहीं गाइस क्या होने वाला है अभी तो।
लेकिन जो जॉम्बी है गाइस वो लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा होता है और गाइस उसे भूख बहुत तेज लग रही होती है, बट उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और जो वहाँ पे जो पिगलिंग का बच्चा होता है वो गाइस वहाँ पे खेल रहा होता है, और जॉम्बी जो होता है गाइस उसी घर में सफाई कर रहा होता है, क्योंकि गाइस वो एक नौकर के लिए वहाँ पे जॉब कर रहा होता है, नौकर एज अ नौकर बनकर। और फिर गाइस जॉब करते करते गाइस वहाँ पे मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मकड़ी वकड़ी को सब कुछ बना बना के खा लेते हैं। और फिर जो जॉम्बी जो होता है वो भागते भागते जाता है कुछ खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत उसकी भूख मिट जाए इसलिए। लेकिन उसे खाने के लिए ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं, बट उसे एक चिकन का टुकड़ा मिल जाता है, वो उससे गाइस अपना पेट भर लेता है। और भरने के बाद जो गाइस पिग होता है वो उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, मतलब उसको सोने का टुकड़ा सब कुछ छीन लेता है, उससे खाना वाना पैसे वगैरह सब कुछ छीन लेता है। और छीनने के बाद गाइस जब जॉम्बी बड़ा बड़ा जॉम्बी गाइस वहाँ से भाग रहा होता है, तब गाइस छोटा वाला जॉम्बी वहाँ से गुजर रहा होता है, फिर गाइस वो अपने डैड को पिटने से बचा लेता है। वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे डैड को मत मारिए, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर वो अपने डैड को गाइस घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है, उसके डैड गाइस वो डॉक्टर के पास लेके आता है उनके डैड को। और जब गाइस पता लगता है कि गाइस उनके डैड की डेथ हो चुकी है, तब गाइस बहुत बुरा लगता है उन दोनों को। अब गाइस उनके डैड की बहुत बड़ी डेथ हो चुकी है, गाइस वो इस दुनिया में नहीं रहे को। और गाइस वो पहले तो पहली बात तो गाइस वो बहुत बुरे थे, लेकिन गाइस अभी भी कुछ पता नहीं है, अभी भी गाइस वो ठीक हो सकते हैं, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, इस चक्कर में गाइस वो बहुत मतलब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और गाइस ये क्या जॉम्बी तो गाइस ठीक हो चुका है, गाइस जॉम्बी जो डैड है गाइस वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और ठीक होने के बाद जो छोटा बड़ा जॉम्बी जब स्कूल जा रहा होता है उसी टाइम गाइस मतलब जो जॉम्बी और जॉम्बी की मॉम है वो घर छोड़ के जा चुकी होती हैं, और वो एक लेटर लेके गई होती हैं बड़े बड़े जॉम्बी को। और जो गाइस जॉम्बी की फैमिली होती है वो जंगल में आकर रहने लगती है। अब उन्हें जंगल के अंदर एक घर बनाना पड़ेगा जिसमें वो लोग आराम से रह सकें, तो उन्होंने गाइस फाइनली घर बना लिया है, बट उनके पास खाने के लिए अभी भी गाइस कुछ भी नहीं है, मतलब उन्हें खाने का तो इंतजाम अभी करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भाई वो जॉम्बी के डैड जो हैं वो आराम से रो रो के शराब पी रहे हैं, मतलब वो आराम से मज़े कर रहे हैं। और गाइस वो एक बार गाइस सुसाइड करने के लिए पानी के अंदर कूद गए थे, और गाइस उन्हें हीरो ब्रांड ने बचा लिया है। और बचाने के बाद गाइस वो जो जॉम्बी होता है वो हीरो ब्रांड को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया अपनी फैमिली के साथ, तो इसीलिए मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पर अलविदा कर दिया है, मतलब वो मेरे छोड़ चुके हैं। और फिर गाइस ये पूरी कहानी हीरो ब्रांड सुनाता है। और फिर गाइस जो जॉम्बी होता है वो गाइस सोच रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली से दोबारा कब मिलूंगा, और मिलने की सोच में गाइस जो उनकी फैमिली है वो दोनों गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं, मतलब उन्हें पहले की बातें याद आ रही होती हैं, जो पहले वो लोग कैसे मिले थे, कैसे साथ रहते, कैसे उन्होंने एक एक पल बिताया था, उन्हें सारी की सारी बातें गाइस एक सबको याद आ रही होती हैं। और फिर जो जॉम्बी होता है गाइस वो हल्के हल्के गाइस मतलब वो अच्छा हो रहा होता है, बुरे इंसान से अच्छे इंसान में बदल रहा होता है, और वो गाइस अपने सारे पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, ना कि गाइस वो मतलब वो गाइस एक भी पैसा खर्च नहीं करके गाइस सारे के सारे पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। और गाइस उसने एक कार भी खरीद ली होती है, कार खरीदने के बाद काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया होता है, क्योंकि उसने गाइस शराब पीना बंद कर दिया और गाइस पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया है। और वो थोड़ी देर के बाद ही गाइस वो एकदम बहुत ज़्यादा मिलियनेयर बन गया होता है, मतलब उसके पास इतना पैसा होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसने गाइस एक कार, घर, बंगला, मतलब काफ़ी अच्छा उसके पास रहन सहन हो चुका है। उसके बाद दूसरी तरफ गाइस जंगल के अंदर गाइस जॉम्बी की फैमिली गाइस बाहर मेहनत कर रहे होते हैं बहुत, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, और अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ खाएंगे क्या। और फिर गाइस जो उनकी मॉम होती है वो पहाड़ के ऊपर से गिरने की वजह से गाइस उनकी मॉम की डेथ हो जाती है, और अब गाइस बेचारे छोटे जॉम्बी के पास कोई भी नहीं बचा है। और फिर एक बार जॉम्बी की डेड गाइस बाहर कार से आते हैं, और गाइस वो उसको जैसे देखते हैं कि भीख मांगते हुए, तो गाइस वो उससे बोलते भी नहीं है, और फिर गाइस वो उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद गाइस वो अपने जॉम्बी को गाइस अपने साथ रख लेते हैं, और साथ रखने के बाद गाइस वो लेकिन गाइस उन्होंने अभी शराब पीना अभी भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा हो गया तब भी गाइस उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा है, क्योंकि गाइस उनकी बहुत गंदी आदत लग चुकी है। मतलब हमें लगा था गाइस वो अब ठीक हो जाएंगे, बट गाइस वो अभी भी शराब पी रहे हैं, और गाइस उनके मतलब अपनी वाइफ के मरने के दुख में शायद और भी ज़्यादा पी रहे हैं, तो गाइस बेचारे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जो स्केलेटन है गाइस वो देखता है उसकी कार को, उसकी कार से बहुत अट्रैक्ट होता है, और वो गाइस उसकी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद जो गाइस जॉम्बी के डैड हैं गाइस वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि गाइस वो हर समय गाइस दुखी रहते हैं उसकी मॉम को लेके।